हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग का प्यार भर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आइए, नेहा दीदी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए, आज मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम तो चलिए दोस्तों, अब शाम होने चल दिया है, शाम हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत खेत तरफ घूमने चलते हैं, बच्चों लोग को भी ले लेते हैं। बच्चे लोग भी हैं बाहर में, हम खे बच्चा लोग खेल रहा है। तो चलिए हम जा रहे हैं, लहसुन वगैरह जो लगाए हैं तो उसको कोड़े थे, उसके बाद पानी वगैरह पटा दिया था, फिर से घास हो चुका है। तो सोच रहे हैं कि जा रहे हैं, थोड़ा घास वगैरह निकाल देंगे, उसके बाद फिर हमें खाना वगैरह सारा चीज़ खाने की भी तैयारी करना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं खेत में, लहसुन लहसुन के खेत में चलते हैं। आज हमको घास वगैरह निकालना है, क्योंकि हम उसको कोड़ दिए थे, उसके बाद घास वगैरह नहीं निकालेंगे तो मेरा जो लहसुन है वो नहीं बैठेगा, तो फिर खाएंगे क्या चीज़। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं लहसुन के खेत में। तो ये देखिए दोस्तों, हम लहसुन के खेत में आ चुके हैं। ऐसे से जो मेरा जो है लहसुन लगा हुआ है, अभी हम इसी में घास निकालेंगे। देखिए मेरा घास हो चुका है, अभी हम निकाल रहे थे और हमें निकालना है। तो देखिए घास, देखिए देख रहे हैं बड़ा बड़ा हो चुका है। देखिए इसमें हम और निकाल दिए थे सुबह में। चलिए दोस्तों, अभी हम इसमें घास वगैरह सारा जो है साफ करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है घास वगैरह हम निकाल करके और गाय को जो है लगा देंगे। गाय के अभी हम पूरा लगाए हैं, तो अभी इन लोग घास भी खा लेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम जो है ये सारा लहसुन में घास निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम घास निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बथुआ के जो लहसुन में जो घास था वो हम सारा निकाल चुके हैं। और देखिए उसमें क्या क्या घास था, ये देखिए गेनहारी का साग है और गेनहारी है ये, तो हम सो दिए हैं, क्योंकि गेनहारी के अभी क्या करेंगे, और है उधर तो साग भी खाना होगा। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसे रख लेंगे। ये जो हम जो मेरा ये गेनहारी सो दिए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, आलू में हम इसको डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, आलू में इसको जब बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए, तो चलिए दोस्तों, इसमें से हम जो गेनहारी वगैरह जो सोहे थे उसको हम निकाल लेते हैं। उसमें हम आलू में आज डाल करके बनाएंगे। आलू में बनाएंगे ना तो अच्छा लगता है गेनहारी के साग खाने में, और आलू और गेनहारी के साग आज हम इसी को सब बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम ढूंढ लेते हैं। इसमें जो हम लहसुन में घास निकाल रहे थे तो बहुत सारा हमको मिलल था, तो हम सारे जो है निकाल करके, और हम सोचे कि इसको वो साफ भी हो जाएगा लहसुन के लहसुन का खेत, और ये जो हम बथ अरे गेनहारी जो है इसका हम सब्जी में ऐड कर देंगे, तो मुझे अच्छा लगा खाने में। तो देखिए हम जितना था हम सारा गेनहारी सो दी हैं उसमें से, अब नहीं है। और उसमें चनकी वगैरह था, ये देखिए इसको झारखंड में लोग चनकी इसको कहते हैं, देखिए चनकी है। और अंकटी वगैरह सारा है, ये पतला वाला अंकटी है और मोटा वाला भी अंकटी था। इसमें दो तरह का अंकटी होता है, ये देखिए ये मोटा वाला अंकटी है और ये जो है ये पतला वाला है, इसे छोटा अंकटी कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम ये जो घास निकाल लिए हैं लहसुन में से, हम इस गाय को दे देते हैं खाने के लिए, और ये हम रख देंगे अच्छे से बर्तन में, मुझे बनाना होगा सब्जी में इसको डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको गाय को दे देते हैं खाने के लिए। जो देखिए हम ले लिए हैं, ये हम गाय को दे देते हैं खाने के लिए, रास्ते में हैं, जा ही रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ये जो लहसुन में के घास है वो तो हम गाय को लगा दिए। ये देखिए फिर से हम घास निकाल लिए हैं यहाँ पे, अब इधर से निकाले, उस साइड से निकाले थे, अभी इस साइड से निकाले हैं।
तो अब जा रहे हैं इसको भी निकाल लिया, अब जा रहे हैं गाय को दे दे रहे हैं खाने के लिए। उस समय तो अंशिका भी आ गई थी तो वही लेकर के चली गई। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो वो ले ली, कहे कि दे दे मम्मी हम लेंगे, हम गाय को देंगे, तो हम दे दिए उसको। और अभी देखो जो फिर से हम इधर से निकाले हैं घास, तो अभी हम जा रहे हैं लेकर के, उन लोग खेलने लगी, नहीं आई उन लोग यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं गाय को दे दे रहे हैं खाने के लिए। तो देखिए दोस्तों हम जा रहे हैं, देखिए गाय को पूरा वगैरह दिए हैं खाने के लिए, तो उसी को दे दे रहे हैं खाने के लिए अभी। तो चलिए दोस्तों गाय को तो दे दिए खाने के लिए, तो अब हम जा रहे हैं। ये जो मेरा जो गेनहारी वगैरह गेनहारी यहाँ पे रखा हुआ था, तो हम इस गेनहारी को ले जा रहे हैं घर में रख देंगे। आलू और ये गेनहारी जो है इसी को बनाएंगे आज सब्जी, और देख लेते हैं और भी देख लेंगे गेनहारी और जो कि और मुझे चाहिए। जितना इतने ही और रहता ना तो हो जाता, अच्छे से बन जाता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसको भी इधर होगा, और उसके बाद हम इसको आज यही बनाएंगे, है यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए उसको भी ले आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बर्तन ले आते हैं एक ठे उसमें रखने के लिए। तो ये देखिए हम एक बर्तन ले आए हैं, हम इसी में इसमें जो है रख देंगे, और ये जो है इसको, और हम जो है आजकल अभी गेनहारी का साग नहीं उतना मिलता है, तो नहीं है खेत में उतना जो है। सो हम देखिए इसको जो निकाल ले रहे हैं, एक दिन और हम इसी तरीके से खोटे थे, तो ये देखिए। और ये जो मेरा पालक है बहुत बड़ा हो गया है, ये देखिए। इसको जो है क्या करते थे हम लोग कि पत्ता को ही निकाल लेते थे, जड़ से इसको नहीं सोह रहे थे, तो इससे जो पत्ता निकाल लेते हैं ना तो इससे और बढ़ जाता है। ये देखिए हम इसी तरीके से निकालेंगे, और हम इसमें आलू वगैरह मिला करके और बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये पालक है, ये देखिए बहुत बड़ा हो चुका है। इसको इन क्या करते हैं हम कि इसको खोट 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 के बड़ा कर दिया, जड़ से हम इसको नहीं निकाले हैं, ये देखिए। और इसमें दो चार आलू डालेंगे तो मेरा ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए हम खोट निकाल लिए हैं, गेनहारी है और पालक है इसमें। तो चलिए दोस्तों अब तो मेरा हो चुका है, अब हम खाने की तैयारी करने चलते हैं, और भी काम है मुझे बहुत। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसको अच्छे से धो लेंगे, धो करके अच्छे से इसे रख देंगे। तो चलिए दोस्तों ये जो है जो मेरा जड़ से नहीं है उसको हम एक साइड रख देते हैं एक ठे कोई चीज़ में, और ये जो जड़ वाला है मेरा, ये जो जड़ वाला है इसको हम साफ कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम कट कर लेंगे इतना पसे। तो चलिए दोस्तों पहले कट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये जड़ जो मेरा था, ये जो मेरा जड़ था उस हम जड़ को निकाल दिए हैं, और ये जो मेरा पत्ता था उस पत्ते को हम एक साइड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको साफ पानी से धोते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा इस डब्बे में जो है पानी है, तो चलिए हम इसमें जो ये साग है हम इसको धोते हैं। इसको हम धो करके अच्छे से इसमें रख देंगे, और सारे को हम धो लेंगे, सारे को धो करके अच्छे से और रख देंगे। चलिए दोस्तों ये देखिए हम सारे जो है धो करके अच्छे से एक कटोरी में रख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको क्या करते हैं, इसे अभी हम रख देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी जो, तो चलिए दोस्तों जो भी था मेरा लहसुन में घास निकाल रहे थे उसको तो हम निकाल लिए, और गाय के घास वगैरह दे दिए सारा खाने के लिए, और हम गेनहारी का साग भी निकाले थे उसमें, तो उससे भी हम और भी, जैसे कि गेनहारी थान उसमें चार पाँच छः थान थी था, तो उसको और इधर हम जुगाड़ किए, जैसे कि शाम को बनाएंगे तो उतना में तो नहीं होगा, तो और हम इधर देखे तो मिल गया। और पालक था एक थान जब एक बड़ा हो चुका था तो उसमें से भी पत्ता निकाल लिए। तो चलिए दोस्तों हम तो सारा धो करके भी अच्छे से और उसे रख दिए।
शाम को मुझे बनाना होगा क्योंकि हम शाम को जल्दी खाना बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो सभी लोग के देखने के लिए धन्यवाद। और पूरा वीडियो पूरा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे लोग भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे। चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों बाय बाय।